2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूँ इस बिल के लिए ताली। सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म है, नरेंद्र मोदी जी है भारत देश के वाली। ये बिल पास हुआ ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूँ और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूँ। माननीय रामदास अठावले जी, हाँ सर, ये सिनेमा का इतना बहुत ही अच्छा आ गया है भी, सिनेमा में अच्छा परिवर्तन करने का इतना आ गया है यहाँ भी, लेकिन हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस हाउस के विलन है वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे हो रहा है फील। तो मुझे लगता है कि ये बिल इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे विरोधी दलों की सब सीट मुझे दिख रही है खाली, विरोधी दलों की सीट मुझे दिख रही है सब खाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म लेकिन नरेंद्र मोदी जी है भारत देश के वाली। माननीय अठावले जी विषय फिल्म है 2024 में INDIA विषय फिल्म है। 2024 में ठावले जी विषय फिल्म है, विषय पर बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे जाता है, प्लीज रात होगी, प्लीज प्लीज विषय पर बोल। 2024 में INDIA की रात होगी काली, इसलिए मैं अनुराग ठाकुर को देता हूँ इस बिल के लिए ताली। बिल पे आ गए, ये सिनेमा परिवर्तन के विदय के लिए मैं अनुराग ठाकुर जी को बधाई देता हूँ और हाउस में हंगामा करने वालों का मैं बदला लेता हूँ। ये बिल पास हुआ है ये बताने के लिए मैं मुंबई जाता हूँ और कांग्रेस का सामना करने के लिए फिर जल्द ही वापस आता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़े समाज में परिवर्तन करने के विषय पर फिल्म निकलती है। आजकल बहुत सारी फिल्में भी ऐसी आ रही है कि हमारे नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं, मतलब उस फिल्म में अगर आत्महत्या करने के लिए ऐसा कुछ सीन होता है उस पर भी सेंसर बोर्ड ने ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्टिस्टिक फिल्में जो होती है, आर्टिस्टिक फिल्में बहुत सारी पहले आती थी, हमारे दादा साहब फाल्के जी ने मतलब महाराष्ट्र में नहीं देश भर में बहुत ही अच्छी फिल्मों की शुरुआत की। और बॉलीवुड ये हमारे मुंबई में, मुंबई का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुंबई प्लेस है, हमारे अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से मुंबई आए, बहुत सारे कलाकार पूरे देश से मुंबई आते हैं, उनको फिल्म में काम मिलता है। मैंने भी एक दो फिल्मों में काम किया है, मैं भी उनको नाम बता दी देखेंगे। हाँ, मैंने जो एक अन्याय का पत्रकार नाम की एक मराठी की फिल्म थी उसमें मैंने टाइटल रोल किया है। अच्छा। जोशी और जोशी या कामले नाम की एक फिल्म है उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है, मैं ज्यादा काम करता था तो मैं इधर नहीं आता था। विषय पर मतलब वहाँ ही रहना पड़ता था मुझे, मैं जब कॉलेज में था तब मैं हर फिल्म देखता था और इसीलिए मतलब मैं भी कलाकार हूँ। हमारी स्मृति ईरानी जी भी मतलब उन्होंने भी काम किया, पूरा हो रहा है आपका। सास भी कभी बहू थी, लेकिन बहू भी लहू थी। तो मतलब बहुत सारे लोग यहाँ हैं और फिल्म हम थिएटर में देखते थे। थैंक यू।